हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव पाल। यू आर वाचिंग सैटेलाइट गौरव यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है DSNG, जिसे हम ओबी वैन भी बोलते हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मीडिया में ओबी वैन्स कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाया मैंने DSNG के ऊपर। लेट्स सी द वीडियो। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बैंड की। बैंड क्या होता है? बैंड होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, उसी फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम डाटा को अपलिंक एंड डाउनलिंक करते हैं। जो हमारे ओबी बैंड्स होती हैं, वे हमारे दो बैंड पे काम करती हैं। फर्स्ट होता है सी बैंड, सेकेंड होता है के यू बैंड। जो सी बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है और के यू बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको बताता हूँ 1 to 1। सो सी बैंड की अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है, जो ओबी बैंड से कोई डाटा यहाँ से सेटेलाइट पर भेजते हैं, उसे बोलते हैं अपलिंक फ्रिक्वेंसी। जो हम डाटा को अपलिंक कर रहे हैं, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी होती है 5.85 GHz से 6.425 GHz, ये हमारी अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है। इसी प्रकार सी बैंड की डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमने वो डाटा अपलिंक करा है, हम उसे रिसीविंग भी करते हैं। तो रिसीविंग करने के लिए हम रिसीविंग फ्रिक्वेंसी डालते हैं। ये फ्रिक्वेंसी होती है 3.7 GHz से 4.2 GHz, ये हमारी सी बैंड के लिए है। इसी प्रकार हम के यू बैंड के लिए यूज करते हैं। ये के यू बैंड की अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है 14.0 GHz से 14.5 GHz तक होती है, और के यू बैंड की डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 12.25 GHz से 12.75 GHz तक होती है। इंडिया में हम दो ही बैंड पे काम करते हैं, फर्स्ट सी बैंड एंड देन सेकंड के यू बैंड। फ्रेंड्स, जो हम ओबी बैंड के अंदर इक्विपमेंट जो लगे होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे काम चल रहा है। कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी कॉन्फिगरेशन होती है इक्विपमेंट में, मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। लेट्स सी द वीडियो।